जिंदगी मुसलमान की सारी की सारी बंदगी होती है। लिहाजा आप कोई भी काम करें, अगर उस काम को अल्लाह का हुक्म समझ कर करें, अल्लाह की रजा का बायस समझ के करें, बच्चे और तलबा और तालिबात भी समझें इस बात को, अवामुन्नास के नुमाइंदगान भी समझें, कोई काम जिंदगी का करें। हाजी नवाज मसलन देगे पकाए, देखने में ये उसका कारोबार है। अगर कोई शख्स दुकानदार है, वो दुकान पर अपना सौदा बेचे, ये उसकी तिजारत है। उस्ताद है, टीचर है, वो अपने बच्चों को पढ़ाए, देखने में उसकी मुलाजिमत है। कोई मुलाजिम सरकारी दफ्तर में काम करे, देखने में उसका जॉब है, जरिया माश है। किसी की सब्जी की दुकान है, किसी की कपड़े की दुकान है, कोई तिजारत करता है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी किस्म की मुलाजमत, तिजारत, पेशा, जरिया माश, कोई काम कर रहा है। जाहिरन देखने में ये दुनियादारी है, उसका माश है, जरिया है, रोजगार है, मगर याद रखने कि ये देखा देखने में जो आपको दुनियावी अमल नजर आ रहा है, ये भी अगर हुक्म इलाही के ताबे होकर अल्लाह की रजा के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत और आपके फरमान की इत्तबा में इस नियत के साथ और नियत खैर पर मबनी नियत, खिदमत खल्क, रिज़्क हलाल, अल्लाह की रजा, फर्ज की कमा हक़ुहु अदाएगी, मुल्क और कौम और गरीबों की और अवाम की मदद, इस किस्म की नियतों के साथ अगर आप इस काम को अंजाम देते हैं और उसमें से बदनीयती, वक्त को जाये करना, लेट आना, जल्दी चले जाना, गप लगाना, मुलाजमत और कामकाज के दौरान दफ्तर में सिगरेट पीना, मेहमानों को बिठा के चाय पीना, कश लगाना, गप लगाना, ये सब हराम काम है। अब आप कहेंगे ये सिगरेट पीना, बात करना, चाय पिलाना, ये कैसे हराम हो गया? ये इसलिए हराम है कि ये वक्त किसी और काम के लिए था और उसकी तनख्वाह मिल रही है आपको, और आप उस फरीजे की अदायगी की बजाय ये वक्त चाय, कप, सिगरेट और गपशप पे लगा रहे हैं, इसलिए हराम हो गया। क्योंकि इतने वक्त का रिस्क जो आपको मिलेगा तनख्वाह में, इतना हिस्सा, वो रिस्क हराम। लोग शोर नहीं रखते हैं बात। समझाना मकसूद ये है कि अगर आपने, आपको मालिक ने तनख्वाह दी इस काम के लिए, आपने 8 घंटे करना था, 10 घंटे करना था, एक सेटलमेंट थी, एग्रीमेंट था, उसमें आपने घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे गपशप में, घूमने फिरने में, सिगरेट में, दाएं बाएं इसमें लगा दिए, तो उस वक्त का जो इजाजिया, जो भी हिस्सा बना, जो आप घर ले गए, वो हराम है। तो आप देखिए हम हलाल में कितना हराम मिला रहे हैं। लिहाजा अगर आपने पूरी नेक नियती से, फर्ज शनासी के साथ, वक्त को सही इस्तेमाल करते हुए, अपने जॉब, अपनी अपॉइंटमेंट, अपने रोजगार और अपने मनसब से पूरी अमानत और दयानत का काम लेते हुए, अल्लाह की रजा के लिए, रिज़्क हलाल के लिए, अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए, उन्हें आसानी फराहम करने के लिए, अगर इन नियतों के साथ आपने दुकान की सब्जी बेची, दूध बेचा, फल बेचे, किरियाना बेचा, मुलाजमत की, जॉब किया, देगें पकाई, जो कुछ किया, वो इबादत है, अल्लाह की बंदगी, वो आपके खाते में इबादत लिखी जाएगी। मत समझे कि इबादत सिर्फ तस्बीह पढ़ने का नाम, या इबादत सिर्फ नफल पढ़ने और पंजगाना, नमाज और रोजे और हज और जकात का नाम है, नहीं। इबादत एक बड़ा वसी तसव्वुर है, इंसान की पूरी की पूरी जिंदगी को अपने हाथे में ले लेता है।